अलैकुम जी, मेरा नाम है अक्षम राणा। पिछले 2 महीने से माहौल बना हुआ है कोरोना का, बड़ा ही पैनिक वाला माहौल है। किसी को कोई बता कि कब ये जो है सिचुएशन ख़त्म होगी, कब हम नॉर्मल रूटीन्स के अंदर वापस जाएंगे, कब जो है दोबारा से सैर सपाटे होंगे, शॉपिंग मॉल्स में घूमेंगे, बोगे के नान चने खाएंगे, सिनेमा में जाके मूवीज देखेंगे, हाँ बाहर शॉपिंग करेंगे, मोहम्मदी निहारी चलेगी और शीफे का कीमा चलेगा और साथ में बट की कढ़ाइयाँ। तो गालिबन सारे लोग, खासतौर पर जो लाहौर में रहते हैं, वो तो सारे इन लोग इन चीज़ों को मिस कर रहे होंगे। बहरहाल मेरा जो मेन मकसद है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर बोलना है कि यार इस सारे महीने हमने ड्यूरेशन के अंदर 2 महीने के दौरान देखा कि यार गवर्नमेंट क्या डिसाइड कर रही है इस चीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कोई खास स्टेप लिया ही नहीं जिसका हम देखें उनको खातिर का। पहले इन्होंने कहा जी स्मार्ट लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, हम हर किस चीज़ को बंद नहीं कर सकते, हर चीज़ को बंद नहीं कर सकते। नतीजा क्या हुआ, एक जगह से केस जाता रहा, दूसरी जगह के ऊपर ट्रैवल करता रहा सुकून से। बाद में इन्होंने क्या कहा जी शॉप्स खोल दें, आप 4 बजे तक खोल दें। आपको सबको बताया कि जब कोई भी टाइम स्लॉट नैरो हो जाती है तो नैरो टाइम स्लॉट के अंदर क्या होता है, वहाँ पर रश क्रिएट होगा। एक शॉप जो खुल ही सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक रही है, 5 बजे तक खुल रही है, उसमें 10,000 लोगों ने सौदा लेना है, और एक शॉप जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुली है, रात 11 बजे तक खुली है, उसमें 10,000 लोगों ने सौदा लेना है। तो आप देखें किस टाइम स्लॉट पर रश ज़्यादा होगा, डेफिनेटली 5 बजे तक। रश भी ज़्यादा होगा, लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर तो बेसिकली हम नहीं कह सकते ना कि कोरोना परवान नहीं चढ़ेगा। तो डेफिनेटली अगर कोई भी कंटीजियस डिजीज़ है वो तो उससे तो स्प्रेड होना ही होना है, वो तो आगे की तरफ जाएगी जाएगी। तो मुझे नहीं ये मेरी समझ से बलातर है ये टाइम लिमिटेड करना और इन चीज़ों का, ये क्या है। डेफिनेटली हम सर्वाइव नहीं कर सकते मुकम्मल लॉकडाउन के साथ, लेकिन हम 1 महीना सर्वाइव कर सकते थे मुकम्मल लॉकडाउन के साथ। यही 12-12 हज़ार रुपये जो एहसास प्रोग्राम के तहत दिए गए हैं, गरीबों की इमदाद के लिए दिए गए। एक दफ़ा मुकम्मल लॉकडाउन इम्पोज़ किया जाता, कर्फ्यू लगाया जाता बेसिकली, और उस लॉकडाउन के अंदर घरों से निकलने के लोगों को इजाज़त ना होती। यही 12-12 हज़ार रुपये जो आपने लोगों को ट्रांसफ़र किया, इन्हीं 12-12 हज़ार का आप राशन अपने रजाकारों के तौर पे तकसीम करवाते हैं घरों के अंदर। तो एक जगह से जब दूसरी जगह कोई शख्स ट्रैवल ही नहीं कर रहा, बिल्कुल अपने घर पे मुकीम है, तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हो कि ये चीज़ जो है वो स्प्रेड होगी। वो वहीं पे रुक जानी थी, जिस तरह चाइना ने कंट्रोल किया, हर जगह पे ऐसे कंट्रोल होगा। जहाँ पे थोड़ी सी भी ढील देंगे आप ये स्प्रेड करेगा। आप नहीं देख रहे कि जब से मार्केट्स ओपन कर दी हैं और ये सारी चीज़ें ओपन कर दी हैं तो इतना ज़्यादा फैल रहा है, एक एक दिन के अंदर 1900 केस, 1600 केस, 1500 केसेस। तो ये तो बहुत रेशो बढ़ेगी। देखिए ना, हमें पता है कि पाकिस्तानी इमाम के अंदर इम्यूनिटी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है, अल्लाह ताला ज़्यादा ही रखे, लेकिन देखिए उसके खिलाफ़ हम फाइट तो कर रहे हैं। जब तक उसके खिलाफ़ फाइट कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं उसके साथ में, हमारी इकोनॉमी कितना सफ़र कर रही है, बहुत सारी चीज़ें बड़ी जो है वो कर रही हैं। अब आप कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट भी खोल दें, SOP के साथ ट्रांसपोर्ट खोलें। ओ भाई खुदा के बंदो, हुक्मरानों कुछ तो देख लो, आप ट्रांस आप जो है मोटरसाइकिल वालों को वो हेलमेट नहीं पहना सके, आप मास्क कैसे पहनाओगे, आप एक सीट अब 2 सीटों के ऊपर एक सवारी कैसे बिठाओगे, ट्रांसपोर्ट वाली आपकी मान लेंगे। जो ओवरलोडिंग करते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स ओवरलोडिंग करते हैं, इवन वो दरमियान के अंदर जो फोल्डिंग सीट्स होती है वो नहीं छोड़ते, किसी गाड़ी के अंदर फोल्डिंग सीट नहीं होती तो मुड़े रख के उन्होंने सफर करवाया हुआ होता है, तो वो कैसे आपकी बात मान लेंगे कि वो SOPs पर अमल कर लें। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर मजे की बात यह है कि आपके क्या कहने, एग्जाम्स नहीं हो सकते, शॉपिंग हो सकती है कोरोना के अंदर। वाह सुभान अल्लाह, एग्जाम्स जिसके अंदर डिस्टेंस ही 1-1 मीटर का होता है, ऑलरेडी हर बच्चे के दरमियान 1-1 मीटर का डिस्टेंस होता है, वो चीज़ कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती। और जहाँ पे शॉपिंग मॉल किसके अंदर जहाँ पे रशी बेनतिया होता है वो चीज़ कंडक्ट करवाई जा सकती है कैसे। मैं बड़ा ताज्जुब का शिकार हूँ इस चीज़ के ऊपर कि एक एग्ज़ाम जिस पर हज़ारों स्टूडेंट्स का जो है वो फ्यूचर स्टेक के ऊपर लगा हुआ, खासतौर पर वो लोग जिन्होंने MBBS के लिए ट्राई करना है, इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करना है, उनके लिए तो होप ही सेकेंड ईयर के मार्क्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, सेकेंड ईयर के में वो ज़्यादा मेहनत करते हैं या इंप्रूव कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग सब्जेक्ट्स को, वो आगे कैसे जाएंगे भाई। उनके लिए तो एग्जाम देना बहुत ज़रूरी था। आप कह रहे हैं 3-3% एक्स्ट्रा दे देंगे, कैसे दे देंगे, अभी तक कोई पॉलिसी नहीं दी हुई, बच्चों ने जितना पढ़ा हुआ है वो भूल रहे हैं, न्यू क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का हाल देखने तो आपने ऑनलाइन क्लासेस पे लगा दिया, उनको सारे के सारे ऑनलाइन पढ़े। आप खुद सोचें कि जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो किस किस्म की आप कितनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को मैं सल्यूट करता हूँ यहाँ पे कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत अच्छी एफर्ट कर रही हैं अपनी तरफ से पढ़ाने की, उनके हर टीचर भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास एक कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बिल्ट हो रहा है इस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। ये ऐसा ही है जिस तरह आप यूट्यूब पर जाके एक लेक्चर सुन रहे हो,
कि सिर्फ आप सुन सकते हो और उस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो सकती। अगर आप शॉप्स खोल सकते हो तो आप यूनिवर्सिटीज़ भी खोल सकते हो। कैसे यूनिवर्सिटीज़ खोल सकते हैं आप? अगर आप शॉप शिफ्ट के अंदर खोल रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज शिफ्ट के अंदर खोल रहे हो। एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 20 डिपार्टमेंट है, 8 घंटे या 9 घंटे का टाइम होता है यूनिवर्सिटी टाइमिंग। आप 2 घंटों के अंदर दो शिफ्ट में डिवाइड कर दें, सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक आधी यूनिवर्सिटी को बुलाएं, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आधी यूनिवर्सिटी को बुलाएं। आपके पास डेफिनेटली रश यूनिवर्सिटी के अंदर कम हो जाएगा, क्लासरूम्स आपके पास ज़्यादा अवेलेबल होंगे, आप वहाँ पे क्लासेस भी कंडक्ट करवा सकते हैं, क्रेडिट आवर्स भी पूरे हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट तो आपने ऑलरेडी चला दी है, तो बच्चों के आने जाने का भी मसला नहीं है। तो जब आपने ट्रांसपोर्ट चला दिया, शॉप्स खोल दी हैं, तो हॉस्टल्स भी वहाँ पे खुल जाएंगे, तो वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि बच्चों का जिस मैदान के अंदर ज़्यादा हर्ज हो रहा है वो हर्ज बच जाएगा। सो बेसिकली मेरे ख्याल में तो हुक्मरानों को इस मामले के ऊपर सोचना चाहिए, बड़ा जो है इंटेंसिटी के साथ सोचना चाहिए कि हम इसके सारे पहलुओं को जो है वो एवेलुएट कर ले कि किस साइड के ऊपर खड़े हैं। अगर हम स्पीड से चलते गए ये तो नवंबर दिसंबर भी ले जाएगा, पूरे का पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। तो हर किसी का आप देखें ना, कौन लोग नहीं सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे? जो डेली वेजेस वाले मुलाजमीन है वो तो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा जो मुलाजिम है प्राइवेट जो जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको तो खैर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, प्राइवेट जॉब्स करते हैं उनकी सैलरीज डिटेक्ट हो रही हैं, कुछ लोग फारिग भी किए जा चुके हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो ये बहुत जो है सोचने की चीज़ है कि इस चीज़ पर किस तरह से काबू पाना है आपने। अगर आप चीज़ों को ओपन ही कर रहे हो तो फिर आप सिस्टमेटिकली लेके चलो। और ये जो शॉपिंग मॉल के अंदर आपने 5 बजे वाला रोना डाला हुआ है, मेरे ख्याल में इसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, टाइम देना चाहिए ताकि एक सर्टेन टाइम के अंदर रश ना बढ़े बल्कि आराम से आप ओपन हो सके। वरना अगर ऐसी सिचुएशन रही तो हुकूमत को अल्टीमेटली दोबारा ही लॉकडाउन लगाना पड़ना है, जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बाकी आप लोग भी सोचें कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, हुकूमत को क्या लेना चाहिए। अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।